सबसे पहले आज इस कार्यक्रम का जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है उसका अध्यक्षता कर रहे हुए प्रोफेसर सुवन लाल बज्राचार्य जी, उसी तरह से प्रोफेसर नंद बहादुर सिंह, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, पुष्पा भूषाल, प्रोफेसर भागवत ढकाल और डॉक्टर प्रदीप कुमार राव और विशेष रूप के मैं यहाँ के प्राचार्य प्रदीप कुमार राव जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और यहाँ उपस्थित मंच पे हमारे अग्रज विद्वान और सामने डेस्क पे बैठे हुए और कोसी प्रदेश के हमारे विधायक भीम पराजुली जी, लगाया इस विद्यालय के विद्यालय परिवार और संपूर्ण छात्र और छात्राएं। सबसे पहले मैं आभार इस अर्थ में प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मुख्य अतिथि के रूप में हमें आमंत्रित किया और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। और इस पवित्र भूमि जहां आपके महायोगी गोरखनाथ जी का ये पवित्र स्थल पे आप सभी लोगों को मेरा नमन। और आज ये जो हम लोग छल फल कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंध में जो चर्चाएं हो रही हैं, ये चर्चा हमारे प्रदीप जी ने जिस तरह से कहा, हर साल कभी नेपाल में कभी भारत में होना चाहिए, उसको हम समर्थन करते हुए मैं आग्रह भी करना चाहता हूं। और अभी हमारे यहाँ पे सिन्हा जी ने, प्रोफेसर सिन्हा जी ने हमारे बारे में जो कहा, मैं यही का दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद मैं खेल के कारण मैं खिलाड़ी भी रहा, इसलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम चले गए और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट में कई जगह खेलते हुए पटियाला कैंप में भी, कैंप के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, एग्मोर स्टेडियम मैसूर में भी, और एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ खेले, एनईआरएल से भी हम खेलते रहे, हॉकी वेटन कप वगैरह में, मोहन मकान के ग्राउंड में, ट्रस्ट कप नैनीताल में। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रहे और यही खेलने की वजह से नेपाल में जाके अंतर्राष्ट्रीय खेल रूप में भी हमने भाग लिया, नेपाल का टीम का कैप्टन भी रखे और 3-4 गोल्ड मेडल भी लिए। और इस तरह से यहाँ से शुरुआत पढ़ाई, यहीं से खेल और खेलते खेलते राजनीतिक खिलाड़ी भी। और आज हमें खुशी है यहीं पे 2000, और ये हम जो पढ़ते रहे लगभग ये है आपका 76-77, 1977 की बात है। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है सन 2015 में आपका इसी पे ये कार्यक्रम हुआ था, उस समय आज सुवर्ण जी अध्यक्षता कर रहे हैं, उस समय हमारे महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अध्यक्षता कर रहे हैं, और उस समय हमारे प्रमुख अतिथि थे खूम बहादुर खड़का। जब नेपाल में काफी द्वंद, आप लोग सुने होंगे माओवादियों का, जिस तरह से 10 साल तक लगभग वहां पे आंतरिक द्वंद हुआ, हजारों लोग मारे, और शांति प्रक्रिया बनाने के प्रयास में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री विजया प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में एक शांति प्रक्रिया आगे बढ़ा और माओिस्टों को भी हम लोग मूलधार, उनको भी सदन में लाए, जो जिस सिस्टम को नहीं मानते थे उस सिस्टम में लाकर बैठाया गया। उस समय हम गृह में गृह राज्य मंत्री रहे, हालांकि उतना द्वंद्व था उस समय, हमारे पर भी आक्रमण हुआ था, लगभग 17 राउंड फायर हुआ था और 7 गोलियां लगी थी, लेकिन जिसका प्रभु का पार है तो कोई चाहे किसी को बीच में हटा दे, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कभी कुछ नहीं पाए। हम लोग उस धर्म और उस विश्वास को मानते हैं, उस संस्कृति और उस संस्कार से जुड़े हुए हैं जहां आस्था है, उसी के बल पे परिवार चलता है, आपका समाज और देश चलता है। हम बार बार अपने पार्टी में भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ा हमारा राष्ट्र है, उसके बाद मेरा धर्म और संस्कार संस्कृति है, तब राजनीति है।
यदि अपने धर्म के लिए, संस्कार के लिए राजनीति त्यागना पड़े तब भी हम लोग त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए और तैयार होना ही चाहिए, क्या कि हम बार बार। आज खुशी है 500 साल से जिस लड़ाई को लड़ रहे थे यहाँ पे, और 500 साल के बाद अयोध्या में जो ऐतिहासिक एक उपलब्धि मिला, भाग्यशाली हैं आप लोग, मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में वो इतिहास कायम बना अयोध्या में, जहां रामलला का मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान हुआ। इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग का संबंध अयोध्या के राम और जनकपुर के जानकी से जुड़ा हुआ है। जानकी माता सीता मैया, आज हम लोग उनके मैके वाले को इस अर्थ में खुशहाली है, 500 साल पहले जो दरबार, आज जो पवित्र आपका अयोध्या जो धाम हो गया, आज वहां पे उन्होंने राम को मिलना, उनका भी हक मिलना, और वो हक मिला, उसके लिए हम सभी लोग, चाहे नेपाल को चाहे भारत के लोग हो, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए विशेष करके मैं हमारे श्रद्धे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय गोरखनाथ के पीठाधीश्वर माननीय आदित्यनाथ जी का जो नेतृत्व इस गोरखपुर से हो रहा है, हम सभी लोग सौभाग्यशाली, और हमें खुशी इस बात का है गोरखनाथ पीठाधीश्वर नेपाल में, जहां मैं रहता हूं, पाली नंदन गांव पालिका करके है, और वहां पे गोपालपुर है नेपाल। इसके पहले आदित्यनाथ जी के गुरु महाराज, बड़े महाराज अवैधनाथ जी ने एक मंदिर स्थापना कराया गोरखनाथ का, और अवैधनाथ जी उसके अध्यक्ष थे। वहां रामलीन होने के बाद हमने मुख्यमंत्री से कहा कि अब किसी को भी, जिस पे आपका विश्वास, उसे वहां का अध्यक्ष बनावे। काफी प्रॉपर्टी वहां भी है उस मंदिर के नाम में, और हम सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने विश्वास किया, इस समय मैं उसी मंदिर का अध्यक्ष हूं। इसलिए आज ये नाथ संप्रदाय का संबंध जो आपके गोरखनाथ जी से, महायोगी गोरखनाथ जी का, उनका जो जन्म हुआ साधारण रूप से नहीं हुआ। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, महायोगी गोरखनाथ जी का जन्म कोई साधारण रूप से नहीं हुआ, किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। उसमें मत्स्यनाथ जब भिक्षा मांगने के लिए भिक्षाटन में जब निकले, तो एक महिला ने जब उनको देखा, उसने अपना दुख प्रकट किया कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, और अपना पीड़ा दिखाया, काफी मलिन हो गए। उन्हें दया आ गया, उन्होंने झोले से विभूत निकाला, ये लो खा लेना, बच्चा लड़का पैदा हो। अब जानते ही हैं पड़ोस वाले, या हर जगह पड़ोसी यदि अच्छा ना हो तो अच्छा तो नहीं करता, लेकिन भड़का जरूर देता। तो उनको भी उस समय कहा कि यार ये विभूत नहीं, मत लो, ये सब गलत चीज है, ऐसा ऐसा उसके बारे में कुछ भ्रमित कर दिया, और उस महिला ने उसको गोबर के जगह पे ले आकर गाय के गोबर। और मत्स्यनाथ जी लगभग 12 साल के बाद फिर टहलते हुए वहां पहुंचे, और उस महिला को देखा, तो उन्होंने कहा बच्चा कहाँ है? तो उसने कहा नहीं, हमको तो पड़ोसी कह कि ये ठीक नहीं है, तो हमने इसे को फेंक दिया। तो वहां गए तो 12 साल का बच्चा प्राप्त हुआ, और वही मत्स्यनाथ जी गोरखनाथ जी को अपने साथ अपना शिष्य बनाकर ले गए, और 15 साल तक घोर तपस्या करने के बाद उन्हें सिद्धि प्राप्त हुआ, और आज गोरखनाथ का मंदिर जो हम लोग देख रहे हैं, जहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर में जो महायोगी गोरखनाथ जी का मूर्ति है,
जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, आज उसका प्रभाव हर जगह बढ़ता चला जा रहा है। और नाथ संप्रदाय का, इसके पहले हमारे ढकाल जी ने कहा, कई छोटे छोटे देश नेपाल में थे और एकीकरण करके पृथ्वीनारायण शाह ने एक किया। उस समय पृथ्वीनारायण शाह को भी आशीर्वाद मिला कि जहां भी पैर रखोगे वहां तुम्हें विजय प्राप्त होगी, उसका भी एक कहानी है, इसलिए हम अधिक उसको लंबा नहीं कहेंगे। और उसी आशीर्वाद के चलते, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद के चलते, गोरखा में शुरुआत वहीं से हुआ और वहीं दर्शन भी मिला, वहीं आशीर्वाद भी मिला और नेपाल एक होके इस समय जो नेपाल राष्ट्र है वो कायम हुआ। इसलिए नाथ संप्रदाय का हमारे यहाँ कई जगह, चाहे दांग में हो, चाहे मृदस्थली करके, कई जगह आपका वो जगह है जहां नाथ संप्रदाय का मठ मंदिर है। सबसे बड़ा देखिए, कोई भी रिश्ता है, हालांकि भारत नेपाल को काफी डोनेट करता है, सहयोग करता है, वित्तीय वर्ष में काफी सस्ते में 0% लोन में या पॉइंट समथिंग के लोन में पैसा देता है। उतना है नहीं, पिछले साल वित्तीय वर्ष में डोनेशन, चंदा, सहयोग आपका जो मिलता था उसमें वृद्धि करके इस समय, पहले 5.5 अरब था, इस समय 7 अरब, इस सत्र से 2023-24 से 7 अरब का सहयोग सामाजिक संस्था या विभिन्न जगह काम करने के लिए भारत दे रहा। और सड़क या विभिन्न किस्म का निर्माण में सहयोग तो काफी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो संबंध होना चाहिए भारत और नेपाल के प्रति, नया जनरेशन जो आ रहा है, क्यों कुछ उसमें विचलन आ रहा है, सबसे अधिक शोध करने का विषय होगी। हम देखिए, दूर का ढोल बहुत सुहाना लगता है, उत्तर जाइए वहां पहुंच नहीं पाएंगे, वहां क्यों सुनेंगे, लेकिन दक्षिण आइए, नेपाल बॉर्डर पे आने के बाद आप देखेंगे भी सुनेंगे भी। जहां आप नहीं देख पा रहे हैं वो तो बड़ा कर्णप्रिय लगता है, क्योंकि दूर का ढोल जो यहाँ म्यूजिक वादन हो रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना प्रिय, लेकिन दूर का सिर्फ प्रिय ही लगेगा, उसमें कहीं कमी कमजोरी रहेगा तो उसका पता नहीं चलेगा। आज हम लोग खुला सीमा जो है, आज वो संबंध किसी राजनीतिक दल या किसी संधि या समझौता के नाते किसी प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में ये संबंध नहीं बना, ये खुला सीमाना जहां बिना पासपोर्ट और बिना वीजा, अयोध्या के राम बिना पासपोर्ट वीजा के जनक, सीता जी आई बिना वीजा लिए चली आई इंडिया, उस समय नहीं था पासपोर्ट, कुछ भी नहीं था, और तभी से वही परंपरा आज तक चला आ रहा है, आपके लिए कोई भी पासपोर्ट वीजा, सिर्फ इतना है, जो समधुर संबंध होना चाहिए था आज वो क्यों नहीं होता, आज नया जनरेशन क्यों आपका भारतीय दूतावास छात्रवृत्ति में हमेशा इंडिया के विभिन्न जगहों पे अध्ययन के लिए देता है, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या अन्य विषय में हो, तो सहयोग भी करता है, विभिन्न जगह अस्पताल हो या 15 अगस्त 26 जनवरी में एम्बुलेंस हो, बस हो, सब कुछ देता है, जो पाते हैं फ्री में वो भी संतुष्ट है, कुछ होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन सहयोग करने के बावजूद भी उसका गुणगान कहीं और क्या गाएंगे, रहेंगे खाएंगे यहाँ, सुविधा लेंगे यहाँ, लेकिन ताली बजाएंगे दूसरे किसी के, चाहे वो यहाँ के लोग हो चाहे वहां, कुछ है हर जगह, उसमें कैसे हम लोग बदलाव लाए। इसलिए बहुत बड़ा संवेदनशील बॉर्डर होता है सीमाना, चाहे हमारे उधर के प्रशासन के लोग हो या सुरक्षा निकाय हो या इधर के सुरक्षा निकाय या प्रशासन, यदि उनके नैतिकता में
उनके कार्य करने के सिलसिले में यदि कहीं वो कमजोरी करेंगे तो फला व्यक्ति चाहे नेपाल को हो चाहे इंडिया को, बात उसकी नहीं, राष्ट्र की बात आ जाती है कि भारतीय लोग या भारत के लोग ऐसा करते हैं या नेपाल के या नेपाली लोग ऐसा बिहेव करते हैं। तो सबसे बढ़िया संबंध हमारा जहां से हम शुरुआत करते हैं एक दूसरे के देश में जाते हैं वहां पे हम लोग ऐसा व्यवस्थापन किया जाए जिसके चलते एक जो संबंध पुराना है इतिहास बन चुका है इस संबंध को और मजबूत के साथ आगे ले जाने का हम लोग चेष्टा करें और वो सबसे अच्छा रहेगा। टाइम हमारा हो चुका है, हम यही आग्रह करेंगे आप लोग भी प्रयास कीजिए। भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम का जो अयोध्या से विभिन्न जगह ऐतिहासिक जगह पे जहां जहां पांव रखा, रखने के बाद जनकपुर पहुंचे, जनकपुर से वाल्मीकि आश्रम आए जहां लव कुश का जन्म हुआ, सीता जी वहीं पाताल चली गई, जो इतिहास है उसको एक रामायण सर्किट के रूप में इसको जोड़ा जाए, इससे हम लोग का बहुत मजबूत संबंध बढ़ेगा। बुद्ध भगवान का जन्म स्थल लुम्बिनी और बौद्ध संबंधित भारत में जहां जहां भी, चाहे सारनाथ हो चाहे कहीं भी जहां भी है, हर उसको भी एक सर्किट रूप में जोड़ दिया जाए, क्योंकि आप जितना भी पैसा दें जितना भी डोनेट करें स्वयं करें वो हमेशा कमजोर होगा, लेकिन जो धर्म और संस्कृति और संस्कार है जो दोनों देश के बीच में हर एक परिवार के मन मन में जन जन में है उसको यदि मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए और उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए तभी कुछ परिवर्तन आ सकता है। जो परिवर्तन अयोध्या के चलते आज पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू है काफी परिवर्तन आया, प्राण प्रतिष्ठान हुआ अयोध्या में, लेकिन कहीं बढ़ चढ़ के खुशहाली हम लोग नेपाल में। जनकपुर की कोई बात है नहीं, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं था, हम स्वयं उस समय हम भी नहीं जा पाए अयोध्या, लेकिन हमारे भीम जो हमारे विधायक हैं भीम पराजुली जी यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग पहुंचे थे वहां, महाराज जी से भी आप लोगों का मुलाकात हुआ था, हम किसी कारण बस जा नहीं पाए, लेकिन हमने उसको यही समझ के काफी रैली जुलूस निकाल के हम लोगों ने पूरा नारा सहित भगवान राम का राम लल्ला का नारा लगाते हुए हम लोग नेपाल के सड़कों पे रैली करके निकल गए, क्योंकि खुशी क्या है कि हम लोग का भगवान राम और सीता का जो संबंध है ये तो दोनों परिवार के लिए खुशी सबसे बड़ा खुशी। इसलिए सबसे मजबूत कड़ी हम अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए और हमारा खान पान हमारा वेशभूषा हमारा रहन सहन हर एक चीज एक ही। यहाँ पे हमारे अग्रज लोग बोलते समय थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अक्षर तो यही है, वर्णमाला तो यही है ना, केवल फर्क फर्क ढंग से रखा गया है, उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रहा, लेकिन संस्कृति है वही है, पाली भाषा हो या जो भी हो तो चीज वही है, बस केवल उसको प्रयोग करने में फर्क है। इसलिए अब हमको ही हिंदी बोलने में दिक्कत होता है, लेकिन अभी आप कह दीजिए भोजपुरी बोलने के लिए तो हमको लगता है कि यहाँ जितना बैठे हैं आप लोग भोजपुरी हमारे ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम हर बॉर्डर में जहां भी भाषण होता है ये मेरा मातृभाषा है करके, राष्ट्रीय भाषा नेपाली लेकिन मेरा मातृभाषा भोजपुरी, कौन कहां जन्म लेता है इससे मतलब नहीं, जो जहां जन्म लिया वो वही का, पहाड़ के आदमी जो पहाड़ी है मधेश में जन्म लेते तो भी मधेशी, यदि मधेशी तराई वासी यदि पहाड़ या हिमालय में जन्म लेते हैं तो वो भी वो पहाड़ी या हिमाली। इसलिए हम जहां जिस भूमि पे हैं, आज आप लोग इस गोरखनाथ के पवित्र भूमि पे हैं तो आप लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग ये गोरखनाथ मंदिर भी जो महायोगी गोरखनाथ शिव के अवतार माने जाते शिव रूपी, हम लोग एक तरफ आप लोग बनारस का वहां जो शिव मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, ऐसे ही हमारे यहाँ
उपस्थिति थी। कोई भी हिंदू अपने कार्यकाल में चाहता है कि विश्वनाथ भी पहुंचे और शिव पशुपतिनाथ अवश्य पहुंचे। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले महाराज से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप क्योंकि यातायात का नेपाल भारत के लिए, नेपाल भारत मैत्री के नाम में दिल्ली और कई चंडीगढ़ कई जगहों से नेपाल से भी बसें आती हैं, पर्यटकीय बस जो रोड जैसे यहाँ रोडवेज है वहाँ यातायात वाला है लोग चलाते हैं, कई जगहों से चल रहा है। तो हमने महाराज जी से कहा कि गोरखपुर से गोरखनाथ धाम तक पशुपतिनाथ धाम के लिए दोनों जगह से यातायात चलाया जाए, लोग गोरखपुर वाले भी गोरखनाथ धाम से निकले और पशुपतिनाथ की यात्रा करें और नेपाल के लोग काठमांडू के लोग भी गोरखनाथ पहुंचे। इस तरह का यात्रा शायद को लगता है अब जल्द ही वो उसका भी शुरुआत कराने जा रहे हैं। और पुनः मैं आयोजक लोगों को विशेष करके हमारे प्राचार्य प्रदीप कुमार राव जी को, जिन्होंने कई दफा फोन करके और काफी हमें उन्होंने अवसर दिया, और यहाँ पे सिन्हा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं। और आज जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है, अब इसके बाद भी होगा, उसके कल भी है, परसों भी है, तब लोग हम लोग प्रयास करेंगे अधिक समय यहाँ दे सके, उसी हिसाब से हम लोग अपना प्रस्थापन करेंगे। अंत में पुनः आप सभी को ये जो भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की कैश यात्रा का जो अतीत से वर्तमान तक है, अतीत को अब वर्तमान नहीं अब भविष्य तक इसको आगे बढ़ाइए और हमेशा ये निरंतर चलता रहे, हमारा संबंध एक विश्व में एक उदाहरण बने और वो संबंध हमारे संस्कृति और रीति रिवाज के आधार पे विश्व के लिए एक पहचान बने, यही शुभकामना देते हुए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।